कार मैन्युफैक्चर कंपनी टोयोटा मोटर ने अपनी मल्टीपर्पज कार इनोवा क्रिस्टा की कीमत में 2% तक बढ़ोतरी की है। कंपनी ने कहा है कि एक ग्राहक केंद्रित कंपनी होने के नाते हम कस्टमर्स पर बढ़ती कॉस्ट को कम करके उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध कराने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कहा है कि रोडियम और पैलेडियम जैसी कीमती धातुओं की कीमतें पिछले एक साल में काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से कार के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। इनोवा क्रिस्टा के लिए पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 16.52 लाख रुपए 7 सीटर के लिए और 8 सीटर के लिए 16.57 लाख रुपए से 22.74 लाख रुपए तक है। वहीं डीजल वेरिएंट की कीमतें 16.90 लाख रुपए 7 सीटर के लिए, 8 सीटर के लिए 16.95 लाख रुपए से 24.59 लाख रुपए है। इनोवा क्रिस्टा में डायमंड कट के 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें 9.0 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। कार में एयर प्यूरिफायर और 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। कार के हेडलैम्प्स को भी अपडेट किया गया है और इसमें LED डे टाइम रनिंग लैम्प और नया बम्पर शामिल है। इंजन की बात करें तो इनोवा क्रिस्टा में 2.4 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। इसका मैनुअल वेरिएंट 150 bhp की मैक्सिमम पावर और 343 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कार में 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन 166 bhp की मैक्सिमम पावर और 245 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। मारुति S-Cross एक 5 सीटर SUV है जिसकी कीमत 8.39 लाख रुपए से 12.39 लाख रुपए तक जाती है। मारुति S-Cross को 7 वेरिएंट्स में पेश किया गया है। S-Cross का बेस मॉडल सिग्मा है और टॉप वेरिएंट मारुति SX4 S-Cross अल्फा 80 है। ये भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV में से एक है। हम आपके लिए कीमत के साथ मारुति सुजुकी S-Cross की एक्सेसरीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जो न केवल आपके S-Cross के लुक को बढ़ाएगी बल्कि इसे सुरक्षित भी रखेगी। मड फ्लैप सेट फ्रंट एंड रियर 490 रुपए, व्हील कवर सिल्वर 640 रुपए, ORVM गार्निश क्रोम 490 रुपए, डोर सील गार्ड 934 रुपए, PVC मैट फुल फ्लोर ब्लैक 1547 रुपए, डोर वाइजर 1670 रुपए, बैक डोर गार्निश क्रोम 1990 रुपए, रियर अपर स्पॉइलर सिल्वर 3990 रुपए, सीट कवर डबल जर्सी ब्लैक फैब्रिक 5490 रुपए, इंटीरियर स्टाइलिंग किट शैम्पेन वुड 5990 रुपए। अप्रिलिया ने ऑफिशियल तौर पर अपने नए एडवेंचर टुआरेग 660 का अनावरण किया है। नए टुआरेग के साथ अप्रिलिया पुराने नाम को लगभग 27 वर्षों के बाद ADV कैटेगरी में वापस लाता है। टुआरेग शब्द टुआरेग लोगों से आया है जो सहारा रेगिस्तान में रहते हैं और पुरुषों के लिए न्यात सबसे कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। ओरिजिनल अप्रिलिया टुआरेग को 80 के दशक में लॉन्च किया गया था और जल्द ही इसे सर्वश्रेष्ठ ADV में से एक के रूप में ख्याति मिले। बाइक पर हर चीज का एक उद्देश्य है। नए टुआरेग 660 को अब ओरिजिनल लाल सफेद और नीले रंग की पोशाक में 80 के दशक के ओरिजिनल टुआरेग के लिए ट्रिब्यूट के रूप में इसका अनावरण किया गया है। ओरिजिनल टुआरेग की तरह ये बाइक भी एक रैली स्टाइल वाली विंडस्क्रीन के साथ उद्देश्यपूर्ण डिजाइन को सपोर्ट करती है। इसमें ट्रिपल LED हेडलाइट, बड़े फ्रंटल एयर स्कूप, फ्लैट सिंगल पीस सीट, रैम्प सराउंड मेटल स्किड प्लेट, सेरेटेड मेटल फुटस्टेप, हैंड गार्ड और ओवरसाइज व्हील्स का एक सेट मिलता है। टुआरेग 660 में परिचित पैरेलल ट्विन 660cc मोटर मिलता है जो RS660 और टुआनो 660 में देखा गया है। टुआरेग 660 का ये मोटर 78.9 bhp और 70 nm का उत्पादन करता है। टुआरेग की इक्विपमेंट में ब्रेम्बो ब्रेक, ट्यूबलेस टायर के साथ क्रॉस स्पोक व्हील्स, 43 mm USD फोक्स, 9.5 इंच के ट्रैवल के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, 4 राइड मोड, ABS, क्रूज कंट्रोल और 5 इंच की
TFT LCD डिस्प्ले के साथ ये आती है। टाटा मोटर्स ने भारत में अपनी नई क्रॉसओवर हैचबैक कार टाटा टियागो NRG को लॉन्च कर दिया है। टाटा टियागो NRG भारतीय कार बाजार में दो ट्रांसमिशन विकल्प MT और AMT के साथ उतारी गई है। टाटा टियागो NRG के लिए MT वर्जन दिल्ली में एक शोरूम कीमत है 6.57 लाख रुपए, जबकि AMT वर्जन की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 7.09 लाख रुपए से शुरू होती है। टाटा मोटर्स की टियागो NRG कंपनी की लोकप्रिय हैचबैक टियागो पर आधारित एक क्रॉसओवर कार है, लेकिन इसके इंटीरियर में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कार के इंटीरियर और केबिन में भी अपडेट्स देखने को मिलते हैं, जिससे नई टाटा टियागो NRG का लुक बेहद स्पोर्टी नजर आता है। नई टाटा टियागो NRG काले रंग की रूफ के साथ ग्रीन कलर एक्सटीरियर में आती है। इसमें चारों तरफ बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। इसके साथ ही रूफ रेल्स और फॉक्स सिल्वर स्केट प्लेट्स इसमें मिलती है। कार में काले रंग का आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है। कार का ग्राउंड क्लियरेंस 181 mm है और इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। खराब सड़कों पर बेहतर ड्राइविंग के लिए इसमें ड्यूअल पाथ सस्पेंशन को रिट्यून किया गया है। टाटा टियागो NRG में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन 85 BHP की पावर जनरेट करता है। इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स दोनों का ऑप्शन मिलता है। टाटा टियागो NRG में कार के इंटीरियर अपडेट्स में रियर व्यू कैमरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन शामिल है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। टाटा टियागो NRG में कंपनी ने सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा है। इस कार में ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर कैमरा, फॉलो मी लैंप इत्यादि जैसे फीचर्स मिलते हैं। साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी किया इंडिया ने अपनी मिड साइज SUV किया सेल्टोस के साथ अगस्त 2019 से भारतीय बाजार में शुरुआत की थी। अब सिर्फ 2 साल के अंदर ही कंपनी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय बाजार में 3 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा छू लिया है। किया इंडिया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने जुलाई 2020 में 1 लाख यूनिट का आंकड़ा पार किया था। किया सेल्टोस की बिक्री कंपनी की कुल बिक्री की 66% है। वही कंपनी की कॉम्पैक्ट SUV किया सोनेट ने कंपनी की कुल बिक्री में 32% तक की हिस्सेदारी दी है। इसके अलावा कार निर्माता कंपनी किया भारत में अपनी MPV किया कार्निवल भी बेचती है, जिसकी अब तक 7,310 यूनिट बेची गई है। किया इंडिया ने कुछ समय पहले जानकारी दी थी कि वो भारत में अपनी रिटेल सेवाओं के नेटवर्क के विस्तार और डिजिटलकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मौजूदा समय में किया के पूरे भारत में 300 टच पॉइंट है और अब देश के छोटे शहरों में भी विस्तार करने की ये कंपनी योजना बना रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।